हेलो स्टूडेंट, यूनिक्स एनसीली का फर्स्ट पार्ट है। एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो गया है ये पार्ट बनाने में, क्योंकि एक्चुअली मेरा लैपटॉप ख़राब था और मुझे मालूम है आप लोग का कल एग्जाम है, तो इसके लिए बिल्कुल बहुत सॉरी। ठीक है, और एक्चुअली थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम है, मे बी आवाज़ थोड़ा सा बहुत क्लियर ना आए। ठीक है, तो इसके लिए भी सॉरी। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आज थोड़ा सा दो तीन वीडियो बना दूँ, कल आपको मॉर्निंग में जो है 11-12 बजे तक आपको जो है कुछ और वीडियोज मिल जाएंगे। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोग का एग्जाम अच्छा ही हो जाए, ज़्यादा अच्छा मेरे लिए सही बात होगी। फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सेल स्क्रिप्ट। ठीक है, सेल स्क्रिप्ट एक्चुअली में होता क्या है? सेल स्क्रिप्ट एक्चुअली क्या है? एक फाइल होती है जिसमें हम कमांड लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो यहाँ पर लिखो ग्रुप ऑफ कमांड्स नहीं है, ये फाइल कंटेनिंग स्पेशल सिंबल नहीं है, फाइल कंटेनिंग द सीरीज ऑफ कमांड। ठीक है, यही आपका जो है इसका स्क्रिप्टिंग होता है। करेक्ट आंसर आपका जो हो जाता है वो सी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल स्क्रिप्ट नीड टू बी सेव्ड विद आर एक्सटेंशन .sh। नहीं, ऐसे कोई जरूरत नहीं होती कि आप अगर ऐसे सेव करना चाहते तो कर भी सकते हो, अगर नहीं भी करना चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो कोई इधर नीड नहीं होती है। सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, सेल स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड इन सेपरेट चाइल्ड सेल प्रोसेस। ठीक है, तो क्या करेक्ट है? हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सेल स्क्रिप्ट बिगिन विद आर। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो होता है वो हैश से चालू होता है, कुछ इस तरह से लिखते हैं, हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश sh कर, इस तरह से हम जो पहला कमांड लेते हैं, तो पहला हमेशा जो है चालू होता है वो ss से चालू होता है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है सिंबल आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू रन द स्क्रिप्ट वी शुड मेक इट एग्जीक्यूटेबल फर्स्ट बाय यूजिंग। तो एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हम जो है एक्स का यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सी एच मोड क्या होता है, हम परमिशन देते हैं कि हम परमिशन देना चाहते हैं फाइल को कि उसका जो एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूट हो सके। तो एग्जीक्यूट के लिए परमिशन देने के लिए हम प्लस एक्स लिखते हैं, प्लस आर लिखते हैं अगर रीड परमिशन देना है, राइट परमिशन देना है तो ये लिखते हैं, और आर डब्ल्यू ए देते तो तीनों परमिशन एक साथ देते, तो इससे तो एक्चुअली करेक्ट आंसर जो है आपका है वो आपका है वो एग्जीक्यूट परमिशन बाय इसका ए से दे। एक्चुअली अगर हम डी को देखें तो डी भी आपका सही होगा, क्योंकि हम तीनों परमिशन दे रहे हैं, लेकिन केवल यहाँ पर एग्जीक्यूट की बात की जा रही है, एग्जीक्यूटेबल की बात की जा रही है, तो ये एक ज़्यादा मोर एक्यूरेट हो जाएगा, तो ये भी आपका सही। एक्चुअली देखा जाए तो डी भी आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पर मैं एक पर लगा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सी टू स्पाइन आर चाइल्ड ऑफ ओन चॉइस फॉर रनिंग द स्क्रिप्ट वी कैन यूज। तो इसमें तो यूज होता है जो है स्पैन करने के लिए, वो यूज होता है हमारा एस एच कमांड। एक्चुअली कोई भी स्क्रिप्ट जो होता है किसी चाइल्ड प्रोसेस द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है, लेकिन अगर आप खुद आप करना चाहोगे तो इसका जो है एस एच कमांड द्वारा जो है यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच कमांड इज यूज फॉर मेकिंग द स्क्रिप्ट इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब होता है जैसे कि इंटरेक्ट कर सके, यूजर से इंटरेक्ट कर सके। तो एक्चुअली में जो रीड कमांड होता है, जैसे अगर आपने जो है यूज किया होगा जो है सी प्रोग्रामिंग, तो आपने देखा स्कैनर आपका जो फंक्शन होता है, आपने अगर जावा यूज किया तो उसमें आपका जो है वो रीड लाइन करके फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या होते हैं आपका जो है रीड करते हैं, यूजर से इंटरेक्ट होते हैं। तो इसमें जो रीड होता है, बाय यूजिंग रीड कमांड वी कैन रीड द डेटा फ्रॉम द यूजर। ठीक है, नेक्स्ट, रीड कमांड इन द सेल्स इंटरनल टूल। हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर ये इंटरनल टूल ही होता है, तो करेक्ट आंसर आपका जो होता है ये आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए सिंगल रीड स्टेटमेंट कैन बी यूज विथ वन और मोर वेरिएबल। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक सिंगल रीड स्टेटमेंट में आप जो दो एक से ज्यादा वेरिएबल को रीड कर सकते हो। आपको क्या करने वाला, रीड स्पेस वेरिएबल नेम स्पेस सेकंड वेरिएबल नेम स्पेस थर्ड वेरिएबल स्पेस देते चले जाओ, आप जितने वेरिएबल चाहो उतने वेरिएबल रीड करते, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ ट्रू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पोजिशनल पैरामीटर। पोजिशनल पैरामीटर एक्चुअली क्या होता है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं, जैसे आपने जावा में पढ़ा होगा तो कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं, हम जो है जब प्रोग्राम रन कराते हैं तो उस समय हम कुछ आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, तो वही आपके क्या होते हैं जो है पोजिशनल पैरामीटर, इसमें आपका यूनिक्स को पोजिशनल पैरामीटर बोलते हैं। तो स्पेशल वेरिएबल फॉर असाइनिंग आर्गुमेंट फॉर कमांड लाइन, जब प्रोग्राम रन जब आप एग्जीक्यूट कराते हो उस समय जो भी आप लिखते थे एग्जीक्यूट कराने वाला स्पेस का फाइल नेम दे दिया, स्पेस का कुछ दे दिया, तो इस तरह से करके आप जो है
कोई भी आप आर्गुमेंट आप स्टोर करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। कम जैसे आप जावा में कर योगे कमांड लाइन, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। नेक्स्ट द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रीड बाय द सेल इनटू द पैरामीटर। तो फर्स्ट आर्गुमेंट जब भी हमको रीड करना होता है तो हम जो डॉलर डॉलर के साथ जो है इसका नंबर लेते हैं, डॉलर वन का मतलब क्या होता है आपका, आप फर्स्ट आर्गुमेंट रीड करो। अगर आपने जो है इस तरह से करके अगर डॉलर टू डॉलर थ्री से करके आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं द कंप्लीट सेट ऑफ पैरामीटर पोजिशनल पैरामीटर इज स्टोर्ड इन डैश एज ए सिंगल स्ट्रिंग। पूरा कंप्लीट आपको रीड करना है तो आपका डॉलर स्टार करके आप यूज करें, डॉलर स्टार का जल्दी हम लोग अगर दवा पढ़े तो स्टार का मतलब था सब कुछ हो गया, ठीक है ऑल। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर भी आपका जो है वो हो जाएगा। 13 देखते हैं विच आर द फॉलोइंग यूज फॉर स्टोरिंग द नंबर आप पोजिशनल पैरामीटर, कितने नंबर आप मतलब पोजिशन पैरामीटर हमको स्टोर करने के लिए उसके होते हैं, उसका आपको डाले के साथ हैश यूज करते हैं, हमको जो स्टोर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पोजिशनल पैरामीटर कितने दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर लॉजिकल लॉजिकल एग्जीक्यूशन। लॉजिकल का मतलब होता है जहां पर एंड और आर आता है, तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर दो एंड और आर ये तो नहीं होता, लेकिन एंड और आर आपका यहाँ पर होता है, दोनों आपने ऑलरेडी बहुत सारे लैंग्वेज में आपने देखा होगा। व्हेन वी यूज एंड द सेकंड कमांड एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन फर्स्ट सक्सीडेड। दो इसमें क्या है, दो दिया गया, इसे मान लो आपने ऐसा कुछ दिया गया है, एक सीएमडी वन दिया है, फिर बीच में एंड लगा हुआ है, सीएमडी टू दिया है, सीएमडी लिखना चाहिए था मुझे, सीएमडी, ठीक है। तो अगर कमांड वन अगर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो कमांड टू एग्जीक्यूट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अगर कमांड वन ही फेल हो जाता है तो कमांड टू एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एंड में क्या होता है, दो चीज होती है। तो एंड में क्या होता है कि इसे हमने बोला और, ठीक है, अगर हिंदी देखे और जाते हैं तो पहला वाला अलग गलत है तो सेकंड वाला सही हो या गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको मालूम है कि हमारा जो क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं बोला आप तभी इंडियन सिटीजन होगे या वोटिंग आप तभी वोट कर पाओगे जब आपकी एज 18 या 18 साल से बड़ी होगी या आप इंडियन सिटीजन होगा, ऐसे मतलब एक भी अगर फॉल्स हो जाता है तो दूसरा ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या, अगर सेकंड वाला अगर एग्जीक्यूट होता है कब, जब फर्स्ट वाला सक्सीड हो जाए, ठीक है, तभी सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट वाला सक्सीड नहीं होगा तो सेकंड वाला एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, ठीक है। ये एंड के केस में, और के केस में जस्ट उल्टा होता है, क्या लिखा है, When we use or both command are executed, तो यहाँ पे ये नहीं दो बोथ नहीं, यहाँ इसको ट्रू करते हैं और ये वाला जो है आपको फॉल्स हो जाता है। फॉल्स इसलिए हो जाएगा ये कि अगर फर्स्ट वाला ट्रू हो जाए, इसमें फर्स्ट वाला सक्सीड होता है तो दूसरा वाला तब चेक होगा, लेकिन इसमें उल्टा होगा, अगर फर्स्ट वाला सक्सीड हो गया तो दूसरा वाला चेक नहीं होगा, जब तक फर्स्ट वाला सक्सीड ना हो तब दूसरा वाला चेक होगा। इसे मैंने बोला और केस में कि आपका आपको सामान भेजने कोई सामान लाने गया, आपसे बोला गया कि देखो या तो आपको कोला लेना या तो आप जो है आप पेप्सी ले लेना, ठीक है। तो आप गए, आपने पूछा को कोला है, तो उसने बोला हाँ है, तो आप कोला लेके चले आप, पेप्सी ने पूछा भी नहीं आपने पेप्सी है कि नहीं है, क्योंकि आपको मालूम था दोनों से कोई एक ही हमको लेना था, तो हमको को कोला पहले मिल गया तो हमको लेके चले गए। तो अगर मान लो सपोर्टर पर्सन बोलता है कोको कोला नहीं हमारे पास, मतलब पहले जो सक्सीड नहीं होता तो आप दूसरे के लिए पूछते भैया पेप्सी है कि नहीं है, अगर पेप्सी होता मिल जाता, नहीं होता तो आप ऐसी बात है फिर आप जो है वो वापस चले आते, ठीक है। तो ये आपका वो है, ठीक है, तो बस दोनों में ये डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत बेसिक आपको क्लियर होगा। अगर आपको नहीं क्लियर तो भाई प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं इसका जो है कहीं ना कहीं क्या यूज ही है आपका, जहां भी जाओगे जहां इसका यूज पड़ता ही है। गन लिखा है द सिंटेक्स फॉर यूजिंग एंड, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसका ये होता है बीच में लगता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट टू परफॉर्म द डिसीजन पेंडिंग ऑन द फुलफिलिंग ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया इज यूज्ड, तो इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें जो इफ एल्स फॉर, इफ एंड एल्स यूज किया जाता है, ठीक है, दोनों यूज किया जाता है, जो नहीं किया गया दोनों यूज किया जाता है। एवरी इफ इज क्लोज विद द करस्पॉन्डिंग, तो एफ आई यूज किया जाता है इसको क्लोज करने के लिए। सी में तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट जहाँ क्लोज करते हैं उनको मालूम होता है बॉडी कहाँ क्लोज हो रही है, लेकिन यूनिक्स में ऐसा नहीं होता। यूनिक्स में इफ कहाँ क्लोज होगा, जहाँ एफ आई लिख जाए, एफ आई मतलब होता है इफ का ये क्लोजिंग स्टेटमेंट, मतलब जहाँ इफ से लेकर के एफ आई तक जो है पूरा इफ का ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ ए स्टेटमेंट गायब भी हो गया, कहाँ गया, देखते क्या है,
टू चेक मोर देन टू कंडीशन, ठीक है, डैश इज यूज्ड विथ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट। तो एक्चुअली इसे आपने जब सी में या जावा में पढ़ा होगा तो इफ के साथ एल्स इफ लगता था, ठीक है। एल्स इफ में हम क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन दे देते हैं, इस तरह से करके एल्स इफ करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है यूनिक्स में क्या होता है, वो एलिफ लगता है, ठीक है, वही एल्स इफ का ही तरीका है, बस इसमें शॉर्टकट में एलिफ लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट इज स्टोर्ड इन विच स्पेशल पैरामीटर। द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट जो होता है वो एक्चुअली जो स्टोर किया जाता है वो आपका डॉलर जीरो, अगर डॉलर जीरो प्रिंट करोगे तो आपका जो स्क्रिप्ट का नाम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब फाइल का नाम जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा कंपेयर कर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल पैरामीटर यूज बाई द सेल, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पेशल पैरामीटर कौन सा नहीं, तो ये डॉलर डॉलर जो होता है वो पीआईडी देता है, जो सेल होता है करंट सेल होता है उसका पीआईडी, पीआईडी मतलब आपका पेरेंट आईडी देता है, ठीक है, प्रोसेस पीआईडी प्रोसेस आईडी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका सॉरी यहाँ पर डॉलर स्टार देता है, डायरेक्ट स्टार आईडी हमने देखा था, डायरेक्ट क्या बताता है कि आपको जो पूरे जितने भी पैरामीटर होते हैं उसको स्ट्रिंग में जो है आपको वो दे देता है, एज ए स्ट्रिंग दे देता है। डॉलर क्वेश्चन मार्क जो आपका होता है ये आपका जो होता है ये एग्जिट स्टेटस देता है कि जो लास्ट कमांड था उसका एग्जिट स्टेटस क्या था, ठीक है। और डॉलर डैश डैश ऐसा कुछ कमांड नहीं होता, तो करेक्ट आंसर ये होता है ऐसा कुछ कमांड नहीं होता, ठीक है। टू नो द एग्जिट स्टेटस आप ये कमांड तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपका क्या था, वो ये सी वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। तो आई थिंक तो आपको क्लियर हुआ होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, इस तरह से आगे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, लोगों में शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।